लड़के को थानेदार के हवाले कर दो। तीरल कभी भी कानून के रास्ते में नहीं आता। जा थानेदार, ले जा इसे। फिर ना कहना कि पीरल तेरी थानेदारी नहीं चलने देता। झोंक से आलू। मैं ताबेदार, जो हुक्म बड़ी मैं। ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। ये मीरल का मुजरिम है, इसको सजा भी मैं ही दूंगा। मीरल बैठ जा, तेरा बाप अभी जिंदा है जिरगा चलाने के लिए। बाबा साईं, बैठ जा। खोल इनको, खोल खोल खोल। जाने दो, चौकत को जाने दो, मुझे हाथ टेकना है। ये नाइंसाफी है, बंद करो ये। जिरगे का ढोंग पीरल साईं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो। मैं और नूरी एक दूसरे को पसंद करती है। दस दाम है, उसे छोड़ दो। चल, बड़ा बदमाश, बंद करो ये। हाँ, पहुंच गए। देखो बाबा बहुत पंक्चुअल है। हाँ पहुंच गए यार। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही यार, तुम्हारे डैड ने मुझे बुलाया क्यों ऑफिस में? शायद वो तुमसे अकेले में कोई बात करना चाहते हो। अच्छा सुनो। हुँ? Best of luck. Thanks. लुबना बता रही थी कि तुम्हारी पोस्टिंग होने वाली है। जी सर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। बस कुछ टास्क हैं जो आईजी साहब ने दिए हैं वो पूरे करने हैं, फिर तैयारी है छोक सयाल की। छोक सयाल? ये कौन सा इलाका है? एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सर, जिसे अभी सब डिवीजन का दर्जा दिया गवर्नमेंट ने। नहीं नहीं यार, तुम्हें जोकसियाल टाइप किसी बैकवर्ड इलाके में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ, तुम्हें सीएम या गवर्नर के स्क्वाड में लगवा दूंगा। जस्ट चिल। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं अपनी विलिंगनेस भी शो कर चुका अपने सीनियर्स को, तो थैंक यू। और लुबना, लुबना को भी तो ये गांव देहात वगैरह पसंद नहीं है। उसे रोज छुट्टियां गुजारनी होती हैं तो यूरोप भागी चली आ रही होती है। तुम्हें उसका भी सोचना चाहिए सलाम। एंड सर, मेरी जॉब है, मेरा करियर है, एंड अबव ऑल सर, मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। देखो सलाम, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ।